डिंगल और शावल में आप गणमान स्वागत करूं। आज नज़र करूं एक ऐतिहासिक बात, अरविंद बात ने सांगोपांग शब्दों में ने सजाई है। डिंगल रा प्रख्यात कवि और जाने माने साहित्यकार कविराज श्री गिरधर दवान जी रत्नु दासोड़ी कविता रो प्रभाव एक दुओ है कि दुओ दशमो वेद समझ न शाले गणो दुए छुड़ायो देश जोगुण कर गयो जेठवा। अर एडे तरीके रो एक बात पोष में दुआ आवे है काव्य मर्मज्ञा दुवे ने दसवें वेद री संज्ञा दी है और कहो है कि ओ फकत उनरे कालजे में ही छुए जो इनडो मर्म जानतो है नीतर आंधे कुते खोलनी खीर वाली बाबत हो जावे जिनोरे साते सुहावड़ी वे उनरे दुवे रो मरम नेड़े करे नी निकले पर जिकेरे नेड़े कर निकले उनने ओ चित्त ने चकित करे तो साथ ही चैन ही आवे आई नहीं कि ओ उनरे दिल में दर्द उपावे तो साथ ही दया पण करे दुगो चित्त चकित करे दुगो चित्त रो चैन दुगो दर्द उपाव ही दुगो दारू वैन दुगो चित्त चकित करे दुगो चित्त रो चैन दुगो दर्द उपाह ही दुगो दारू एन दुगो यानी कविता और कविता उवा जकी करनी और पढ़नी में समड़वे क्योंकि कविता करबो बोलबो बहुत कम बारीक बहुत बड़ो झीणो काम है सा एड़ी असरदार कविता उवा कवि कर सके जिकर व्यक्तिगत प्रभावशाली वया करे और एड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व रा धनी हा दुदा जी आशिया दुदा जी आशिया सिरोही राव सुरतान देवड़ा रे खास मर्जीदान जितरी अजरी वाक शक्ति रो उतरो ही भुजो में आपण जद राय सिंह चंद्र सैनोत जगमाल सुसोदियों रे भेड़प में सिरोही राव सुरतान माथे आक्रमण कियो उन वक़्त दोनों कानी शू सेना में कई चारण वीर आपरे बाहुबलरी जिकी ओळखण दी वो इतिहास में आज ही अमर है तो साथ ही चवण रे कानी शू दुदा जी आशिया राठौड़ों रे कानू शू बारट ईश्वरदास देवरियारी दर्शाई वीरता सोनेली आखरों में मंडी जोड़ी राठौड़ोरी वीरता रे आगे चंगवाण पतला पड़िया अर जुद में ओड़ा ताकण लाग्या उन वक़्त सेना रे हरोड़ में आए अर नमी धनुर्धर दूदे जी आशी आपरे तीखे तीरसू राठौड़ वीरा कालजा कपाए सिरूरी अबरू राखी जोधरो साकीदार दुर्सा जी आडा कहीं लिखे गहरी देखे गज घटा सब भगा चंगवाण उन पल दूदे आशिये कर ग्रहिया कबौण इणिज गत ईश्वरदास बाल्टी आपरी अनामी वीरता बताए स्वर्गवासी बनिया समकालीन कवि देवराज रत्नु लिखे के जिण गत ईश्वरदास जी मोटो बोलता उणी गत मोटम राखर वीर गत बरी उन युद्ध में जिके नायक हा वो निश्रिया अर ईश्वर तरवारों जाली अयो ईश्वरिया बारट अडा बोलना नायक निश्रिया तू बढ़ियो तरवारियों अयो ईश्वरिया बारट अडा बोलना नायक निशेरिया तू बढ़ियो तरवारियों इन जोध पेटे इतिहासकार रघुवीर सिंह जी सीता मऊ वीर सत्सरी भूमिका में लिखे के जाडा जी मेहड़ू ईश्वर जी बारट युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए महाराजा सिरोही की ओर से दूदा जी आशिया लड़े उन्होंने अपनी धनुर विद्या से शाही सैन्य को तितर बितर कर दिया था और इण जुद में राव सुड़तौन की फतेह हुई पण जद बीकानेर महाराजा राय सिंह री पातशाह अकबर रे आदेश सो सिरोही माथे हमलो कियो उन जिद में राव जी री हार हुई हार ही नहीं हुई बल्कि राव सुड़तौन ने बीकानेर वाला पकड़ कैद कर बीकानेर ले गया। दयालदास जी शिंडाए चापरी ख्यात में लिखे पीछे सिरोही रे मैं थानो राख महाराज बीकानेर पधारिया और सुड़तौन नु बंद कर लाया व नवधरे ऊपर राख्या उन वक़्त दूदो जी आशिया बीकानेर आए महाराजा राय सिंह जी ने हाजिर हुआ दरबार लागो और दूदे जी आपरी ओजस्वी वाणी में मनक भाव सु महाराजा सिरोही दर्शाई वीरता और मुक्त कंठ सु प्रशंसा करी भगवान करिया और लिखियो है कि सिरोही रे विकट भाखरों रे शिखर पूगर राय सिंह निशंक अतलनगढ़ माए आपरा घोड़ा फेरिया देवड़ा राय सिंह सु डरता चू ही नहीं करी पण उणारी सवालियाँ आपरे खौमदान ने अवेदान देवण री विनती करी पूजो वे सिंह पहाड़ सिर पागेरों कमद अश फेरिया अचल रे कांगेरों हुए हे कंप तिण वार बीज हड़हरों वीन वे अभय मार्ग त्रिय नू वरों। दूदा जी आपरी दूजी कविता में कहो है कि किण गत कालीधर चित्तौड़ लंकागढ़ आदि ने धूषण सारू उन वीरों वर्षों तई घेरो दियो राखियो जदके राय सिंह तो आयो एक ही घड़ी में अम्बो ने पधरा कर लिया काल धर घेरियो नव लाख अश्वार मिल
सूर शबकी जुर्म आया पवल में चिताबर घेरियो सुल्तान हूँ अलाउद्दीन बारह बरस दुध कल कांत भयो दल में लंकागढ़ रामचंद छे कियो छह मास धके रात हूँ दिवस कई सुनी नाय कल में अब गढ़ काढ़ियो चार जोजन हूँ ऊंचो वड्यो घोड़ा चढ़ राय सिंह घेरियो एक पल में कविता सुन अर महाराजा रिझियार कयो मारो दिल जीत लियो कविराज कविराज धने हो हूँ तूठो थे मांगो सोई देऊं आ सुन दूधे जी कयो हुकम रिझिया तो वचन दियो राय सिंह जी कयो ए वचन जने दूधे जी कयो हुकम मूली पौंदा में फूटरी लागे राव सुड़तान जी आपरी कैद में है जने मारो जमारो धन दिक है आप राजी हो तो राव जी छूटना चाहिए दूधे जी रे त्याग स्वाभिमान रे माथे प्रसन्न होए महाराजा कहो कविवर श्रोई अर राव सुरतान थाने दिया दयालदास जी लिखे तिण पर महाराजा श्रोई अर सुरतान दूधे नु भगिशिया किणी समकालीन कविरो इन विश्व में एक दुओ शाखीदर है श्रोही सुरतान सू लिधी ते रासल दिनी महीना दोय सू गढ़ा उबारण गल के बदंती यो है कि राव सुरतान दूधा जी ने इन काम से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने सिरोही जाए और सिरोही कवि श्रेष्ठ दूधा जी ने इनायत कर दी जने दूधा जी कहो हुकम डूंगरा माथे छिया नहीं हुए कौमा जुकारा जौमा हुए आज आप रे राज आपने जोपे और मैं आपरा कविराज ओपाऊँ सिरोही आपरी है जने ही मारी है जने राव जी उन्होंने बड़दरा गाँव और करोड़ प्रसाद देव सम्मानित किया बाव बंधनो बड़ोदरो तृण से सात निवाण लभे दुदो वाशियो दिए राव सुरतान बाव बंधनो बड़दरो तृण से सात निवाण लभे दुदो वाशियो दिए राव सुरतान धन्यवाद।